मुझे बताओ बेटा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन टू देयर विद हाइट वाला इक्वेशन मेरे को बताओ ध्यान से आपका मोशन है जी एच इज इक्वल टू जी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर बाद में मैंने एक स्पेशल कंडीशन बोला था व्हेन एच इज लेसर देन आर इन दैट इज हाउ डू यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जरा याद करना शाबाश जी एच इज इक्वल टू जी एस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2h बाय ठीक आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखो सारे शाबाश वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब adg with depth वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने लिखा adg सरफेस से नीचे रखना है ना ऑब्जेक्ट को ये मानो अर्थ का सेंटर ये मानो अर्थ का क्या आज जो ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास था कितना बचे स्मॉल है ना क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास हम हमेशा क्या बनाते हैं बेटे स्मॉल वो ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल में है और वो सरफेस से कितने डेप्थ पे है ये डेप्थ हमने बात किया डी नहीं आया समझ सो व्हाट इज डेप्थ डी इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ये आपको याद रखना पड़ेगा इसको मैं मानूंगा पॉइंट ओ इसको मैं मानूंगा पॉइंट एस और इसको हम मानेंगे तो एम है ही चलो सो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट डी एंड दिस डी वी कॉल एज द डेप्थ नहीं आया समझ चलो क्या मैंने बोला कि ओ से लेकर एस तक कितना डिस्टेंस है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओ से लेकर एस तक कितना डिस्टेंस है आर से बोलेगा क्या है भी माइकल और जो मुझे बोलेगा ओ से लेकर एम तक कितना डिस्टेंस वेरी गुड ओ से लेकर एम तक कितना डिस्टेंस आर ई वेरी गुड ओ से लेकर एम तक जो दूरी है उसको हम मानेंगे आर ई माइनस और इस आर ई माइनस डी को मैं लिखता हूं स्मॉल आर क्या लिखता हूं मैं सो व्हाट इज स्मॉल आर इज आर ई माइनस अगर स्मॉल आर को मैं थोड़ा सा मीनिंग एट्रीब्यूट करूं तो मैं कह सकता हूं मेरे बेटे जो स्मॉल आर है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर नहीं आया सवाल अरे नहीं आया सवाल सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल आर एंड व्हाट इज स्मॉल आर इक्वल टू आर ई माइनस What is the distance of the object from the surface of Earth? बोलो जी जल्दी बोलो। What is the distance of the object from the surface of Earth? अरे बोलो भाई। Distance of the object from the surface of Earth is d. Distance of the object from the center of Earth is small r. And how much is small r? R e minus. तो मैं यहाँ पे लिख के रखूँगा। Small r is equal to capital R e minus d. ये आपको डब्बे में कोई है जो मुझे बोलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या निकालना है ये बिल्कुल सही बात बोली आपने मैं बहुत खुश हुआ सबसे पहले निकालना होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या मुझे कोई बोलेगा व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ दिस स्मॉल मास एम इन दिस केस आपको सोच के बोलना पड़ेगा कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ दिस
small mass m. G? M E. Into? M. You are right? अरे भाई बोलो तो सही, मैं चाहता हूँ आप गलत बोलो ना, अच्छा बोला जी एम ई फिर सुमार यार मैं सुमार आन और बोलो ये ना भाई जी एम ई एक तो सुमार है दूसरा है सुमार आन ये ही कर रहा है ऐसा नहीं ये फोर्स नहीं देखो फोर्स कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो मैं आपको बोलता हूँ क्या मैं मान सकता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास सुमार एम है ध्यान से देखो बोलते मेरी और प्लीज क्या मैं मान सकता हूं ये जो स्मॉल एम है ये असल में एक छोटे से अर्थ के सरफेस पे है वो छोटा सा अर्थ मैंने ऐसे बनाया डैश 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 नहीं आया आप लोगों को समझ में नहीं किया मैंने एज्यूम किया ये जो स्मॉल एम है जो बड़े अर्थ के कितने डेप्थ पे है आप लोगों को शक्ति नहीं है आज मेरे बेटे ये जो स्मॉल एम है ये बड़े अर्थ के कितने डेप्थ पे डी देखिए मैंने अस्यूम किया कि ये इस छोटे से अर्थ के जिसका रेडियस क्या है बेटे स्मॉल मैं मानता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस छोटे से अर्थ के कहां पे है सरफेस नहीं आया मेरे बेटे समझ नहीं आया मेरे बेटे समझ और ये जो छोटा सा अर्थ है जो मैंने बनाया इसका मास मैं रखूंगा एम डैश क्या रखूंगा मैं बेटे अब मुझे बताओ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस स्मॉल एम एंड एम डैश अब कोई बड़ी बात नहीं है हाँ जब अब क्या बोलेगा फोर्स कमा F इक्वल टू G M डैश M बोल भाई स्मॉल अब कोई बड़ी बात जरा मैंने क्या किया मैंने चालाकी की मैंने ये पूरे अर्थ को कितने हिस्सों में डिवाइड किया दो एक छोटा सा अर्थ और बाकी के मेनिंग पोर्शन और मैंने माना जो ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम है ये इस छोटे से अर्थ के कहां पर है सरफेस पे खत्म इसमें किसी को कोई परेशानी वाली बात है क्या यहां तक सबको समझ में आया मैंने क्या किया और यहां तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना सबको समझ में आया ना क्या किया मैंने सर बोल हां जो है मैंने स्मॉल एम को माना छोटे से अर्थ के सरफेस और ये छोटे से अर्थ का जो सरफेस है इसका मास क्या रखा एम डैश अब फिर उस किसके बराबर लिखोगे जी एम डैश एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का होल मुझे बताइए एम डैश कितना है क्या ये एम डैश होगा इक्वल टू द मास ऑफ अर्थ सारे बोलो क्या ये एम डैश होगा इक्वल टू द मास ऑफ अर्थ क्या ये एम डैश मास ऑफ अर्थ से ज्यादा होगा क्या ये एम डैश मास ऑफ अर्थ से कम होगा अगर कम होगा तो क्या होगा कितना मास होगा बताओ आपको बोलना पड़ेगा सेवेंथ क्लास का मैथमेटिक्स है ये छोटे से अर्थ का मास कितना होगा अच्छा पूरे अर्थ का मास कितना है एम हाँ बड़ा छोटे से अर्थ का मास कितना होगा अगर आपने नहीं बोला मतलब सेवेंथ क्लास का मैथमेटिक्स आपका फेल आप वैसे ही पास हो रहे हो है तो जो मुझे बोलेगा एम डैश कितना है कैसे निकाल के हाँ डिवाइड क्या करेंगे डिवाइड टू नहीं आपको कहां पता है इक्वल है डिवाइड बाय टू तब होगा जब इक्वल हो आपको नहीं पता है ना इक्वल है दैट्स व्हाट वी डोंट नो पता नहीं कैसे निकालोगे स्मॉल एम एम डैश अच्छा आपने कभी सुना है हाँ अगर कभी भी आपके पास कोई बड़ी चीज होती है बड़ी चीज में से आप कोई छोटी चीज निकालोगे फिर देखना है कि वो छोटी सी चीज का मास क्या होगा उसको ऐसे आपने फॉर्मूला सुना है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं डेंसिटी किसके बराबर होता है मास पर यूनिट इसका मतलब मास किसके बराबर होता है डेंसिटी इनटू मतलब अगर आपको छोटे से पार्ट का मास चाहिए आप देखो पहले डेंसिटी क्या है मल्टीप्लाई करो छोटे से पार्ट का वॉल्यूम नहीं आया समझ अरे नहीं आया समझ क्या आया समझ किसी भी सेक्शन का अगर मास देखना है तो पहले
देखो डेंसिटी क्या है, वन करो वो छोटे से सेक्शन का वॉल्यूम नहीं आया सर। तो यहां पर भी मैं वही लिखूंगा एम डैश, एम डैश मतलब छोटा सा मास, किसके बराबर है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पार्ट, है ना। सो व्हाट इज एम डैश इक्वल टू, तब हम डेंसिटी का बराबर से डेंसिटी को टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल मास का बराबर कितना है एम डी डिवाइडेड बाय, मतलब टोटल वॉल्यूम का बराबर अर्थ का क्षेत्र क्या है स्क्वायर, अर्थ का रेडियस क्या है आर ई, जो वॉल्यूम ऑफ सर्फेस किसके बराबर होता है 4/3 πr³, है ना। तो बताओ टोटल वॉल्यूम क्या लिखोगे 4/3 πr³, सो ये डेंसिटी, डेंसिटी मतलब टोटल मास ऑफ अर्थ व्हिच इज एम ई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ व्हिच इज 4/3 πr³, बाय द वे हो जाएगा मेरे बच्चे वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम छोटे से अर्थ का, सर छोटे से अर्थ का वॉल्यूम बोल कर दूंगा 4/3 आपस में एंसल। तो बताओ एम डैश किसके बराबर है मेरे बजे एम ई डिवाइडेड बाय करेगा क्या आर ई क्यूब मल्टीप्लाई बाय करेगा क्या स्मॉल आर क्यूब, दिस इज द मास और स्वभाव है, बस आगे की कहानी आप फिर पता है आएगा कितना है, लिखो जल्दी से इतना पहले लिखो, कंसिडर कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम प्लेस एट अ डेप्थ डी, consider an object of mass small m placed at a depth d from the surface of earth, from the surface of earth, this from the surface of earth having, ब्रैकेट में लिखो अर्थ को, ब्रैकेट में लिखो हैविंग को, ब्रैकेट में लिखो हैविंग मास एम ई कैपिटल एम ई एंड रेडियस कैपिटल आर ई, ये लोग ना अर्थ स्पेश मास अर्थ स्पेश रेडियस, ठीक है ओके। अगला पॉइंट लिखो द डिस्टेंस ऑफ द मास एम, the distance of the mass m small m, ठीक है, the distance of the mass m small m from the center is क्या small r is equal to r e minus b of is small r उसी के साथ इक्वल्स टू आर ई माइनस डी। अब ये सारी चीजें हम डायग्राम में बनाओ, एम कहां है डी क्या है स्मॉल आर क्या है, सारी चीजें हम बनाओ सारी चीजें हम आराम से बनाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिखो आगे द मास ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ, द मास ऑफ द
small part of earth. The mass of the small part of earth which creates a force on the object is given by ye m dash. Oh, so what is m dash? Sisters, third is the part जिसने ऑब्जेक्ट पे क्या क्रिएट किया, फोर्स. देखो इस गिवन बाय दिस, यहां पर देखो चार मास कितना है, इसमें मुश्किल है, आगे बहुत आसान है. फिर मास इज इक्वल डेंसिटी टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पार्ट. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. Total mass of Earth is m e, total volume is 4 by 3 pi r e cube by the volume of small part is 4 by 3 pi small r cube. 4 by 3 pi, 4 by 3 pi cancels out and we are left with m dash is equal to mere baje m e divided by karega r e cube multiply by karega small r cube. Is cheez ka khayal ko aapke ko khayal hai. Force of gravity. अब लिखो अगला पॉइंट. The force of gravity on mass small m. The force of gravity on mass small m is given by. The force of gravity on mass small m is given by. इस पार्टिकल पे अब कितना फोर्स लगा, जल्दी जल्दी बोलेगा शान एक्स बराबर क्या जी. आगे एम वन के बदले एम एम टू के बदले स्मॉल एम डिवाइड बाय कितना है दूरी आज लेकर यहां तक स्मॉल आर स्क्वायर. नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो भर दो करके स्मॉल आर का स्क्वायर. अरे समझ में आया ना, अरे दिमाग में आया ना, तो लिख सकते हैं ना मेरे बेटे F equal to G. क्या है तो क्या बोल रहा है M dash के बदले, क्या कभी तो लिखा हाँ M dash के बदले M E divided by R E cube multiply by R cube. फिर अपना small M divided by है R square. ये है force. अच्छा implies मेरे बेटे F equal to क्या, मैं ये square और ये cube cancel कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ जी. M E by the way M multiply by small R डिवाइडेड बाय करेगा आर ई का हर क्यू. दिस इज द फोर्स. जल्दी जल्दी लिखेगा, जल्दी जल्दी लिखेगा. फोर्स इज जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई क्यू मल्टीप्लाई बाय स्मॉल. जरा मुझे बताओ मैंने क्या किया. मैंने कुछ नहीं किया मेरे बेटे, एम डैश के बदले वही लिखा जो मैंने इक्वेशन नंबर वन में निकाला, बाद में ये दे दी. इसको नाम रखो बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड. वेरी गुड. अगला लिखो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय. अगला लिखो मेरे बेटे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय बोथ. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय GD. जरा बोलो मेरे के लिए GD. Because we are finding the acceleration to gravity at a depth d is equal to force divided by mass. इसका मतलब GD is equal to मेरे बच्चे force के मतलब क्या G M E small m divided by R E cube multiplied by small r divided by m m और m cancel. आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखा अभी तक, जितना भी मैंने एक्सेलरेशन ग्रेविटी पढ़ाया, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखा क्या, ये स्मॉल एम और स्मॉल एम हमेशा कैंसिल होता है. जरा बोल क्यों, क्योंकि आपने पहले बोला क्या द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमेशा स्मॉल एम कैंसिल होगा. तो क्या बना मेरे पास इक्वेशन शाबाश, जी डी इज इक्वल टू
GME by or EQ by के बराबर है small. यहां तक पहुंचे आप? जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर. अब देखो आवाज की दुनिया के दोस्तों, जी डी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई जो आर ई क्यूब है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा आर ई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ई. सही बोल रहे गलत बोल रहे? अरे सही बोल रहे गलत बोल रहे? आर ई क्यूब के बदले मैंने नीचे का लिखा आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ई. कोई परेशानी वाली बात, कोई घबराने वाली बात? तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे मेरे बेटे? स्मॉल. नहीं, ये स्मॉल आर नहीं करेंगे हम, स्मॉल आर के बदले लिखेंगे आर ई माइनस. क्या आपको ये समझ में आता है? क्लास में ये तो मैंने पहले लिखा था. ये देख स्मॉल आर इज़ आर ई माइनस डी. तो मैंने यहां स्मॉल आर के बदले क्या लिखा? आर ई माइनस डी. इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना? शाबाश. तो जी डी इक्वल टू मेरे बेटे क्या बने थे बोले ना? ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? जी एफ ई बाय आर ई स्क्वायर क्या है? सारे सारे मेरे सार जी एफ ई बाय आर ई स्क्वायर क्या है? अरे ये तो जी एस है, एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो इसके बदले में लिखूंगा जी एस डिवाइडेड बाय आर ई मल्टीप्लाई बाय आर ई माइनस. वेरी गुड. आगे देख जी डी इज इक्वल टू ये आर ई को मल्टीप्लाई करो इसको भी मल्टीप्लाई करो इसको भी. आर ई में जब डिवाइड करो आर ई, आर ई में आर ई वन, तो अंदर क्या बचेगा? जी एस इंटू वन माइनस डी बाय. वेरी गुड. ये हो गया हमारा इक्वेशन डिराइव. जी डी इज इक्वल टू जी एस इंटू वन माइनस डी बाय आर. What is GD? अरे भाई, what is GD? Acceleration to gravity at depth d. What is GS? Acceleration to gravity at the surface of. What is d? Depth of the object from the surface. And what is RD? Radius. Copy करो जल्दी से हो. बस. इसको याद रखेंगे equation number. Three. Very good. Equation number 3. जब आप सरफेस से सेंटर पे चले गए तो आप कितना डेप्थ लीजिएगे?
अरे बात करो भाई मेरे, जब आप सरफेस से सेंटर पे जुड़े तो कितना डेप्थ लीजिए रे, आपके डेप्थ इक्वल टू द एरिया स्क्वायर। नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं, क्या आपको एक्सटेंशन टू ग्रेविटी निकालना आएगा सेंटर पे? या भूतों ऐसे क्यों देखते हो? आएगा सेंटर पे निकालना, क्या करोगे? अरे भाई फॉर्मूला यूज करोगे, डी के बदले क्या लिखोगे? आर ई। अरे नहीं आया यार, दैट शुड गुड इट फील कंप्लीटली यू आर आउट ऑफ पांच दिमाग पिता। चलो देखो, एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या है? D is equal to R. At the center of D is equal to R. So, बताओ GD क्या बनेगा? GD is equal to what? क्या? GS multiplied by 1 minus D. D के बदले क्या लिखेंगे? R. जो है क्या भाई? R. So, GD is equal to GS into 1 minus 1. 0. So, GD is equal to what? GS. अरे जो हमने अभी पढ़ा, यही क्वेश्चन में दूसरे सेंस से पूछूंगा, आप लोग गलत जवाब बोलोगे, मैं आपको लिख के देता हूं। एज वी मेन सवाल सुनो मेरे प्लीज, एज वी मेन एवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? वही बात, ये तो ऐसी बात होगी, एक बंदा गया, उसके बैग में दो अंडे थे, उसने दोस्त को पूछा, मेरे बैग में कौन सा टू कौन सा कस्ट टू स्कूल से तीस स्मृति वाला। अभी मैंने बोला व्हेन यू गो टुवर्ड्स द सेंटर व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी? डिक्रीजेस। एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी? डिक्रीजेस। जब सेंटर के टुवर्ड जाओगे कम हो गया, दूर जाओगे तो ज्यादा हो गया ना, इसमें भी दिमाग चाहिए आइंस्टाइन का। ये तो पता ही है, किसी चीज के नजदीक जाने से अगर कोई चीज कम होता है तो दूर जाने से वही चीज बढ़ेगा। इसमें भी आप सोचते हो क्या होगा? मुझे लगता है हमें 11th क्लास वापस से पढ़ में नहीं जाएंगे, हम वापस 11th ही पढ़ेंगे, जो आप लोगों की हालत मुझे लग रही है वही है कि जब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब न्यूटन ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था ना, उस टाइम भी एक एपिडेमिक वहां पे हुआ था, स्पेनिश फ्लू, समझ में आ रहा है? तो उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी वो सब बंद थे, वो घर में आ गए। हाँ, तो घर में लॉकडाउन में उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, और आप सोचो आपने लॉकडाउन में क्या दिया? न्यूटन के लॉकडाउन में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया आपने, क्या किया आप लोगों ने? खुला तंबाकू दिया। So G is equal to GS into 1 minus D by RE, and at the center of the earth, the acceleration due to gravity is 1, 0. Now, if we move away from the center of earth, acceleration due to gravity increases. That's what we have to keep given in our minds. Another point we can give. Variation of acceleration due to gravity with the shape of acceleration, variation of acceleration due to gravity with the shape of earth. Variation of acceleration due to gravity with the shape of earth. Variation of acceleration due to gravity with the shape of earth. तो पापा की परी हो, इधर देखो, जो अर्थ होता है असल में ये स्फेरिकल शेप नहीं होता, लॉन्ग हार्टेड ज़ुबैर तो भी देखेगा, जो अर्थ होता है असल में ये परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है, इसका शेप कुछ ऐसा होता है, ओब्लॉन्ग ऐसा, हाँ, सॉर्ट ऑफ एलिप्सॉइड शेप होता है। इसका मतलब जरा इसको क्या बोलते हैं,
अगर मैं हॉल रखता हूँ इसको क्या बोलते हैं इक्विटी। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाँ ये बात बिल्कुल, मैं बहुत खुश हुआ बेटे और डॉक्टर बन गए और ये इक्वेटर है ना। मुझे बताओ अगर एक पॉइंट में यहां बनाऊं और एक पॉइंट में यहां बनाऊं एक्सेलरेशन की गति कहां ज्यादा होगा? यहां क्या? हाँ यहां पर एक्सेलरेशन की गति ज्यादा, यहां पर एक्सेलरेशन की गति कम। क्यों? क्योंकि ये एक सेंटर के क्लोज तो एक्सेलरेशन की गति ज्यादा, ये सेंटर से as we move from the equator to the poles, as we move from the equator to the poles, कौन से poles? ओ भाई ये सड़क वाले poles नहीं, या तो north pole पे चले जाओगे या तो south pole पे। The value of acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity क्या? कम की ज़्यादा? Increases, very good. The value of acceleration due to gravity increases. बोलिए याद रखो मेरे बेटे, मैं बहुत important चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक पॉइंट पे बोलो ना बेटे, वेट वेट क्या है? What is the difference between weight and mass? Mass is a constant. It does not change. It's there. You know what's mass, huh? And then there is weight. What is weight? Weight is the gravitational force. So whatever happens to G, whatever happens to G, what is G? Acceleration due to gravity. जो कुछ भी होता है G के साथ वही होता है वजन के साथ, वेट के साथ। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन इज द सेम एज दैट ऑफ द वेरिएशन ऑफ योर वेट। अगर आप अर्थ के सेंटर पर चले जाओगे बताओ आपका वेट क्या होगा? अरे बात करो भाई मेरे, अगर आप अर्थ के सेंटर में चले जाओगे बताओ बेटे आपके आपका वेट क्या होगा? जीरो। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो, आपका वजन भी जीरो। अच्छा आपका वेट सबसे ज्यादा कहां पर होगा? अर्थ की सरफेस पे, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? ज्यादा, मैक्सिमम। अच्छा अगर आप अर्थ की सरफेस से दूर जाओगे आसमान में जाओगे आपके वजन को क्या होगा? कम। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कम। आपका वजन भी क्या होगा? कम। वेरी गुड। अगर आप अर्थ की सरफेस से जाओगे अंदर सेंटर टनल में आपका वजन बढ़ेगा कम होगा? क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर। सो जो भी जी का हाल होता है वही वजन का भी हाल होता है। नोट किया जाए छोटा सा प्यारा सा, जो जी का हाल वही वजन का भी हाल। इसको बिल्कुल याद रखो। एंड व्हेन वी से वजन, वजन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। जो जी का हाल वो वजन का, और वजन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, वेरी बढ़िया बात, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अब लास्ट है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। मगर ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में इतना ही नहीं। तो इसका मतलब जो हम पढ़ेंगे कल वो एडिशनल होगा, एडिशनल। मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार उसमें से क्वेश्चन आया है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम उसको भी पढ़ेंगे। बट दैट वी विल डू टुमारो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस, वेरिएशन विद हाइट, वेरिएशन विद एंड वेरिएशन विद द शेप ऑफ एवरीथिंग वी हैव डन इन दिस वे।
कल हमारा टॉपिक होगा कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। और उस लेक्चर को समझने से पहले बेटे जो मैंने रोटेशन मोशन में लेक्चर किया है वो पहले देख के आना, क्योंकि जब तक वो सब नहीं पता होगा तब तक ये नहीं करोगे। तो वॉच माय वीडियो ऑन रोटेशन मोशन फर्स्ट 1 or 2 वीडियोस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इजी। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।